देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मंगलवार की शाम 9 बजे मुझे फोन आया कि आज मेरे मामा की तबीयत अब थोड़ी बिगड़ने लगी है, जिस वजह से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के बाद मुझे अब अपने शहर से वापस गांव के लिए रवाना होना होगा और उसके बाद मैं वहां से सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। तब मुझे पता चला कि देर रात में आने वाली ट्रेन का निर्धारित समय अब चेंज हो गया है, जिस वजह उस ट्रेन को थोड़ा और वक्त लगने वाला है। फिर मैं वहीं स्टेशन की एक बेंच पर बैठकर ट्रेन का आने का इंतज़ार करने लगा और उसके बाद रात के करीब 11 बजे ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब ट्रेन के आगे किसका बस चलता है। उसके बाद मैं जाकर ट्रेन में बैठ गया। फिर ट्रेन अपने निर्धारित समय के अनुसार वहां से निकल पड़ी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मुझे बीच में ही छोड़ देगी। मेरा सफ़र अभी भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला था। मैं रात के लगभग 2 बजे मामा के गांव उतरने वाला था, यानी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त तो लगने ही वाला था और साथ ही मुझे वहां से ऑटो पकड़कर घर के लिए भी निकलना था, क्योंकि वह काफ़ी बड़ा गाँव था। लेकिन उसके बाद मैं अपने गांव के बस स्टैंड के पास उतरने ही वाला था कि वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर पहले ही ट्रेन ने घुटने टेक दिए। उसके बाद जब ट्रेन की छानबीन की गई, तब जाकर पता चला कि ट्रेन के इंजन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। वैसे तो ट्रेन को जल्दी ठीक करना पड़ता है, लेकिन शायद उनको इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन यात्रियों के दबाव की वजह से उन्होंने जल्द से जल्द ट्रेन को ठीक करने की बात कही। रात के करीब 1:30 बज रहे थे, चारों तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था और जिस जगह पर ट्रेन अभी रुकी हुई थी वह जगह बिल्कुल सन्नाटे में डूबी हुई थी। लेकिन उसके बाद मैं चुपचाप ट्रेन की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। दरअसल मुझे बहुत जोर से टॉयलेट चू लगी थी। बाहर निकलकर पहले तो मैं चारों तरफ घूमने लगा। वैसे तो ट्रेन के अंदर बाथरूम था, लेकिन उस वक्त मुझे बाहर जाना था ताकि इस बहाने मैं थोड़ा बाहर भी घूम लूँगा, और यही सोचकर मैं थोड़ा हवा का आनंद लेने लगा। अभी मैं वहाँ पर चारों तरफ घूम ही रहा था कि तभी मुझे कुछ झाड़ियाँ नजर आने लगी। मैं चुपचाप उन्हीं की तरफ चल पड़ा और वहाँ पर टॉयलेट करने लगा, लेकिन अभी भी ट्रेन के चलने का काफ़ी वक्त बचा हुआ था। और तभी अचानक मुझे इन झाड़ियों के पीछे कोई भागता हुआ दिखाई देने लगा, लेकिन ठीक से देखने पर मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। एक पल को तो मेरे दिमाग ही खिसक गया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद कुछ जंगली जानवर होगा, और यही सोचकर मैं वापस ट्रेन की तरफ मुड़ा। लेकिन तभी अचानक से ही किसी ने पीछे से मुझे आवाज़ दी, अजी सुनते हो, वो क्या है ना, आज मेरे पति घर पर नहीं है और मैं और मेरी बच्ची अकेले हैं, तो क्या आज रात आप हमारे पास रुक सकते हैं? पहले तो मैंने देखा कि वह एक बहुत खूबसूरत सी औरत है जो कि बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी है, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है। मैं उसकी बातों को सुनकर एकदम हैरान सा रह गया कि आखिर में एक औरत इसका पति घर पर नहीं है और वह मुझे अपने घर पर रुकने के लिए कह रही है। सच में एक अजीब सी बात थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि शायद इस औरत को जंगली जानवरों से डर लगता है, इसलिए ये ऐसा बोल रही है। मैंने कहा, देखिए मैं आपके घर तो नहीं रुक सकता, लेकिन आप मेरे साथ मेरे घर के लिए निकल सकती हैं, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आगे मेरा मामा का घर है। मेरी इतनी बात सुनते ही उस औरत का मासूम सा चेहरा अब एकदम उदास हो गया, लेकिन मैंने उसे किसी तरह से समझाया। फिर वह औरत मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। अब हम दोनों ट्रेन में बैठ गए और हम दोनों ट्रेन में बैठे हुए थे, लेकिन लोग लगातार मेरी तरफ ही देख रहे थे। उस बोगी के अंदर कुछ गिने चुने लोग थे, तो वो लगातार मेरी तरफ ही देख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब मेरी तरफ क्यों घूर रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैंने उन सबको नज़रअंदाज कर दिया और फिर उस औरत से लगातार बातचीत करने लगा। जब हमारे गांव का बस स्टैंड आया, तो मैं उस औरत के साथ साथ उस बच्ची को भी लेकर गांव के बस स्टैंड पर उतर गया और फिर मैंने कहा, अगर आप चाहो तो हमारे गांव के बीचों बीच एक भवन पड़ता है, आप उसके अंदर भी रुक सकते हो और पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन उसने कहा, नहीं नहीं हम आपके साथ ही चलेंगे,
उसके बाद मैं किसी ऑटो वाले को ढूंढने लगा कि हम किसी तरह मामा के घर पर पहुंच जाएं, क्योंकि मामा का घर अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। उसके बाद मैंने मामा को कॉल किया और उन्हें बताया कि मैं आपके गांव में पहुंच गया हूँ और अब आपकी तबीयत कैसी है। तब जाकर मुझे पता चला कि मेरे मामा जी की तबीयत अब बिल्कुल सुधर चुकी है, लेकिन उन्हें अस्पताल में तो दिखाना ही था और वह काम भी मुझे ही करना था। इसलिए तो मैं अपने शहर से यानी कि अपने कारोबार को छोड़कर मामा के गांव उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास दिखाने आया था। मैंने मामा को उस औरत के बारे में नहीं बताया। उसके बाद उस औरत को लेकर वहां से घर के लिए रवाना होने लगा, लेकिन तभी अचानक से उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे गले से लिपट गई। ये सब देखने के बाद मैं एकदम से चौंक गया। आखिर उस औरत को ऐसा क्या हुआ कि वह मेरे गले से लिपट गई। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मेरी आंखें भारी होने लगी। अब मेरा शरीर एकदम से अकड़ने लगा। अब मेरे हार्मोन लगातार ऊपर नीचे होने लगे और फिर मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि अब मैं अपने मामा के गांव में पढ़ने वाले सुनसान घर के अंदर लेटा हुआ था। मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े खुले हुए थे और फिर जब मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसकी बच्ची वहां से गायब थी। वह अकेली मेरे करीब खड़ी थी। अब वह एक रोमांटिक मूड में आ चुकी थी। उसने अपने कपड़े खोलने शुरू कर दिए, लेकिन मैं ये अच्छे तरीके से जानता था कि ये कोई सामान्य औरत तो नहीं है। उसके बाद अचानक से मेरी आंखें एक बार फिर बंद हो गई। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे सारे कपड़े खुले हुए थे। मैं वहीं उस पुराने पड़े मकान के अंदर एक बेड के ऊपर लेटा हुआ था। वो बेड अचानक से वहां कैसे आ गया यह बात तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि किसी ने मेरे साथ संभोग किया है। लेकिन उसके बाद मुझे वहां पर डर का एक एहसास होने लगा। मैं तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। उस दिन तो मैं किसी तरह वहां से निकल गया, लेकिन अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर था और पूरी पिक्चर तो अभी बाकी थी। मगर उसके बाद दूसरे दिन जब अपने मामा के गांव रुका हुआ था तो मुझे वहां पर कुछ अजीब से सपने आने लगे। बार बार वह औरत मुझे अपने सपने में दिखाई देने लगती। अब मैं उस औरत से तंग आ चुका था, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। मैं ये बात नहीं जानता था कि वह कोई औरत नहीं बल्कि कोई काली शक्ति होगी। मैं किसी अनजानी ताकत के जाल में अब फंस चुका था, लेकिन अब मुझे किसी भी तरह उससे अपना पीछा छुड़वाना था। उसके लिए मैं वापस उसी जगह के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि आखिर वह एक औरत कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ी है एक अनजानी ताकत की तरह। उसके बाद में जब मैं उस जगह पर पहुंच गया तो मुझे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन मैं रात भर के लिए वहीं पर बैठा रहा। रात के लगभग 3 बजे के आसपास मुझे किसी के कदम पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं तुरंत ही पीछे पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि वह औरत एक खूबसूरत चेहरे के साथ मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो। लेकिन उस औरत का कोई भी जवाब नहीं आया। इस बार मैं उससे अपने सारे जवाब लेने के लिए वहां पर आया हुआ था, मगर मानो उस खूबसूरत औरत ने एक चुप्पी साध ली। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई, लेकिन उसके बाद उसने सारे जवाब मुझे कुछ लाइनों में ही दे दिए। दरअसल इस बार उसका भयानक जवाब था, तुम मर्द ऐसे ही होते हो, जहां पर भी तुम्हें खूबसूरती नजर आती है उस तरफ खींचे चले जाते हो। मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा ही किया। हमारी शादी हुई तब वो मेरे पीछे पागल था, लेकिन उसका जब मन भर गया तो उसने मुझे छोड़ दिया और किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन अब तुम सब मर्दों की हवस मैं ही मिटाऊंगी। उसकी बातें सुनकर अब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि मुझे पता था उसकी मौत हो चुकी है। वह औरत मेरे करीब आ गई और उसने अपने हाथों को मेरे शर्ट पर रख दिया और एक बार फिर मुझे अपना सर भारी लगने लगा। उसका जिस्म अब गर्म होने लगा, लेकिन अब मुझे पता चल चुका था कि अब ये औरत हवस की प्यासे मुझ पर अपनी कसर ढाने वाली है। उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मेरा प्राइवेट पार्ट काफ़ी दर्द कर रहा था, वह अब खतरे में पड़ चुका है, तो मैं वहाँ से तुरंत भागने लगा। रात के करीब 3:30 बज चुके थे
और मैं जिन प्रश्नों के उत्तर लेने आया था वह मुझे मिल चुके थे। अब मुझे तुरंत इस जगह से निकलकर उस साधु बाबा के पास पहुंचना था। मैं तुरंत वहां से दौड़ पड़ा, लेकिन मुझे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देने लगी। मैं एक बार के लिए पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वह औरत एक बंदर की तरह छलांग लगाते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ रही थी। अचानक से ही मुझे अपने साथ साथ किसी की परछाई भागते हुए दिखाई देने लगी और फिर मैंने देखा कि अब उस औरत के पीछे पीछे कुछ आदमी भी दौड़ रहे थे। शायद वही आदमी थे जिनको वह इतने दिन से शिकार बना रही थी और शायद अब उनकी भी मौत हो चुकी थी। भूतों की एक टोली अब मेरे पीछे लग चुकी थी। मैं लगातार तेजी से भाग रहा था और फिर मैं उस बाबा की झोपड़ी के पास पहुंच गया जहां पर मुझे काफ़ी देर पहले ही पहुंचना था। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि साधु बाबा ने सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। दरअसल जब से मेरे साथ ये हादसा होना शुरू हुआ था तभी मैं उनके पास पहुंच गया था और मैंने अपने बारे में सब कुछ उन्हें बता दिया था। उन्हीं साधु बाबा की वजह से मैं जंगल में गया था, वरना मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मैं और भूतों की टोली के बीच जाकर बैठ जाऊँगा। उसके बाद वहाँ पर पहुँचते ही उस साधु बाबा ने मुझे एक घेरे के अंदर बैठा दिया और फिर मुझ पर कुछ मंत्र तंत्र का जाप करने लगे। अचानक से ही मैंने देखा कि उसके घेरे के अंदर उस औरत की कुछ परछाई सी मेरे अंदर से निकली और एकदम से वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद उस साधु बाबा ने मुझे बताया कि काफ़ी सालों पहले उस औरत की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई थी, जिसकी वजह से उसकी आत्मा आज भी हवस की शिकार करती है। वह लोगों के साथ संभोग करती है लेकिन उसका मन संतुलित नहीं है, वह लगातार संभोग करना चाहती है, जिस वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से लोगों की अचानक से ही मौत हो जाती है। और उसने अब तक कई सारे मनुष्य को अपना शिकार बनाया है। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर तुमने मुझे पूरी बात बताई, वरना शायद तुम्हारा भी वह औरत बहुत बुरा हाल करती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह हमारी एक चाल थी कि मुझे किसी भी तरह उस औरत को वहां पर लेकर आना था। मैं सफल भी हो गया और उसके बाद इन बाबा ने मेरी कलाई के ऊपर एक धागा बांध दिया और उसे कभी भी ना खोलने को कहा। मगर उस दिन शुक्र था कि किसी भी तरह मेरी जान बच गई, वरना शायद आज मैं भी उस औरत की हवस का शिकार बन जाता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।